आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, पर्व है, और भारत 24 की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर की सभी को शुभकामनाएं राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। इस पर्व के दिन सभी देशवासी संकल्प लें, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लें। तो देखिए, राष्ट्रपति की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट एक्सपर किया गया है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसे विश्वास की भावना पर आधारित ये त्योहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का संचार करता है। और ऐसे में राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि मैं चाहूंगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। तो वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया। भाई बहन के स्नेह के प्रति पर्व रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और ये पर्व आपके रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख लाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है और सभी देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि आप सभी के रिश्ते में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर ये त्यौहार आए। और ऐसे में सभी समस्त देशवासियों को भाई बहन की इस असीम स्नेह के प्रतीक पर रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी पोस्ट दिखाया, उनकी तरफ से भी सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, और ऐसे में भाई उनकी रक्षा का वचन बहनों को देता है। तो आज का दिन बेहद शुभ है और ये प्रेम का त्यौहार है, ये स्नेह का त्यौहार है, और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनका ये पोस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन है। अमित शाह ने इस पर्व पर सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना की है, और उनका ये पोस्ट आप देख सकते हैं। उन्होंने बाकायदा एक फोटो भी पोस्ट की है। समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आज, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व, और सभी दिग्गजों की तरफ से एक एक कर एक्स पर यह बधाई संदेश लिखा गया है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान को, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के स्नेह के पर्व की, इस पावन पर्व की बधाई दी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप संकल्प लीजिए कि जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये वादा आप देश की तमाम बहनों से कीजिए। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि रक्षाबंधन के समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, ये पर्व सबके जीवन में सुख सौभाग्य और समृद्धि लाए। तो एक एक करके हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और अब ये जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा का ये एक्सपर्ट पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पावन संस्कृति का यह उत्सव सभी के जीवन को सुख सौभाग्य समृद्धि से परिपूर्ण करे। तो देखिए, यहाँ पर संस्कृति का जिक्र भी अपने इस पोस्ट में किया गया, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार, और ये त्यौहार आप जानते हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। दूर दूर से बहनें अगर कहीं भी हों तो वो ज़रूर अपने भाई को राखी बांधने जाती हैं, और अगर नहीं जा पाते, अगर बहुत ज़्यादा दूरी है, उसके बावजूद राखी अपने भाइयों को हर एक बहन आज के दिन भेजती है। इसके अलावा सीएम योगी ने भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। रक्षाबंधन की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, ये पर आप सभी के जीवन में सौभाग्य लेकर आए, समाज में सद्भाव सौहार्द की भावना और ज़्यादा सशक्त हो। सीएम योगी की तरफ से ये पोस्ट एक्सपर किया गया है, और सद्भाव की कामना करते हैं, सहयोग की भावना और अधिक सशक्त हो पूरे देशवासियों में, प्रदेशवासियों में। ये सीएम योगी की तरफ से
पोस्ट किया गया। इसके अलावा तमाम बहनों को तोहफा देते हुए, क्योंकि आप जानते हैं जो बस सेवा है वो कल रात 12 बजे से फ्री कर दी गई है। आज रात 12 बजे तक जो बहनें अपने भाई को रक्षा बांधने के लिए, राखी बांधने के रक्षाबंधन के पर्व पर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको इसका किराया नहीं देना होगा। ये तोहफा राज्य सरकारों की तरफ से भी अपनी बहनों को दिया गया है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन पर प्रियंका गांधी ने राहुल के साथ तस्वीर शेयर की है। भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, अलग अंदाज में प्रियंका गांधी ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट किया है राहुल गांधी के साथ। और ये देखिए, उन्होंने कई तस्वीरें हैं, बचपन की तस्वीरें, जब वो दोनों छोटे थे तब किस तरीके से खेला करते थे साथ में, और अब बड़े हो गए हैं तो संघर्ष का जिक्र यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। और ये कहा कि संघर्ष के साथी होते हैं भाई बहन। तो ये तस्वीरें हमने कई दफा देखी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मंच पर, जब वो एक दूसरे को लाड करते नजर आते हैं। राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बहन प्रियंका गांधी को प्यार करते नजर आते हैं, गले लगते नजर आते हैं। और प्रियंका गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और ये कहा है कि भाई बहन संघर्ष एक दूसरे के साथी होते हैं, आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, सभी की तरफ से, तमाम दिग्गजों की तरफ से राखी के पर्व पर शुभकामनाएं देशवासियों को दी जा रही है। और ऐसे में सेलिब्रेशन भी पूरे देश भर में इस वक्त चल रहा है। बहनें क्योंकि इंतजार करती है पूरे साल इस पर्व का कि वो अपने भाई को राखी बांधे, और एक अलग धूम इस त्यौहार की नज़र आती है, अलग उत्साह नज़र आता है। तो वहीं आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई बहन को स्नेह के डोर में ये त्यौहार बांधता है। और आज भाई को राखी बांधने का अगर शुभ मुहूर्त की बात करें, क्योंकि अलग अलग टाइम की बात यहाँ पर की जा रही थी, तो हम आपको बता देते हैं, दोपहर 1:46 से लेकर 4:19 तक ये पहला शुभ मुहूर्त है। इसके बाद शाम 6:56 से देर रात 9:07 तक ये दूसरा वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप इन समय राखी बांध सकते हैं, ये शुभ मुहूर्त है, क्योंकि कई लोग समय पूछते हैं कि क्या वक्त है सही जिस पर वो राखी बांध सकते हैं। तो ये समय है 1:46 पहला जो शुभ मुहूर्त है, और 4:19 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है 6:56 से रात 9:07 तक ये दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा, जब आप राखी अपने भाइयों को बांध सकते हैं। तो आज राखी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है सुबह सवेरे, क्योंकि सभी मंदिर जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हैं। और ऐसे में आज रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पूरे साल इस पर्व का इंतज़ार किया जाता है, अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हैं, उनका भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और ऐसे में जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को वचन देते हैं कि वो हर घड़ी, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो आज रक्षाबंधन पर कई राज्यों में महिलाओं को तोहफा दिया गया है। कई राज्यों में बसों में मुफ्त सफ़र महिलाएं कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बसों में फ्री यात्रा रहेगी। मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी बसों में मुफ्त यात्रा बहनें जो हैं वो कर सकेंगी। रात 12 बजे तक बसों में मुफ्त यात्रा महिलाएं कर सकेंगी, क्योंकि आज राखी का पर्व। और ऐसे में ये तमाम राज्य हैं जिनकी तरफ से अपनी बहनों को मुफ्त यात्रा का तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। कल रात यानी कि 12 बजे से ही ये मुफ्त यात्रा शुरू हो चुकी है, और आज रात 12 बजे तक आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो मुफ्त यात्रा आप कर सकेंगे। आपको इसके लिए पैसे नहीं देना होगा, क्योंकि जो बहनें होती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, और घर कई बार हमने देखा कि भाइयों का दूर होता है। तो ऐसे में इन राज्यों ने महिलाओं को ये आप कह लीजिए गिफ्ट के तौर पर दिया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी मुफ्त बस सेवा मिलेगी बहनों को। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी बसों में फ्री यात्रा बहनें कर सकेंगी। तो आज जश्न का माहौल है, खुशी का त्यौहार है। हर तरफ आप देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये संकल्प लेने के लिए देशवासियों से कहा जा रहा है कि आप सुनिश्चित करें कि जो बहनें हैं, जो देश की बेटी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा आज के दिन रहेगा। डीएमआरसी का महिलाओं के लिए खास तोहफा, आज मेट्रो के फेरों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
आज सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। अन्य दिनों के मुकाबले आज अधिक भीड़ होती है, तो ऐसे में जो फेरे हैं, मतलब कि मेट्रो कई दफ़ा एक रास्ते पर चलती हुई नजर आएगी, और ऐसे में जो यात्री उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो हर कोई घरों से बाहर निकलता है, राखी बांधने के लिए बाहर जाते हैं। और हम जानते हैं कि ख़ास तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो भारी भीड़ होती है, लोग बसों से या फिर अपनी गाड़ियों से जाने से आज के दिन बचते हैं, परहेज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेट्रो में ज़्यादा सफ़र किया जाता है और एक आम आदमी मेट्रो को ही प्रिफर करता है। तो DMRC की तरफ से ये एक बड़ा तोहफा आज रक्षाबंधन के दिन, और साथ ही साथ कई फेरों में मेट्रो आज चलेगी जिससे यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। बात इंदौर की करें तो इंदौर में दुनिया की सबसे बड़ी राखी बनकर तैयार, खजराना गणेश को बांधी जाएगी सबसे बड़ी राखी। राखी की डोर 101 मीटर लंबी, आकार 169 वर्ग फीट, और ये देखिए ये बड़ी राखी है, दुनिया की सबसे बड़ी राखी। राखी की प्रदर्शनी रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक होगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को भी आमंत्रित किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक विशाल राखी है, और खजराना गणेश को ये सबसे बड़ी राखी बांधी जाएगी। राखी की डोर 101 मीटर लंबी, आकार 169 वर्ग फीट है, और देखिए कितनी बड़ी ये राखी है। हम आपको टॉप एंगल से ली हुई तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो अपनी तरफ से हर कहीं एक अनोखी तस्वीर नज़र आ रही है, अलग तैयारियां सबकी तरफ से की गई हैं, और ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राखी को प्रदर्शनी पर भी रखा जाएगा, और ये आपको बता दें कि रक्षाबंधन यानी कि आज से जन्माष्टमी तक लोग आकर इस राखी को देख सकते हैं।